खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करके कर्मचारियों की एक लंबित मांग नवजीवन दे दिया है। हर राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करने की ही मांग उठ रही है। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव राम सुहाग सिंह के अध्यक्षता में समिति गठित करने तक बात पहुँच गई है, तो गुजरात में भी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर अब सड़कों पर आ गए हैं। गुजरात के गांधीनगर में पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से शुरू करने, फिक्स वेतन व्यवस्था को खत्म करने और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित कई मांगों को लेकर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सोमवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। गुजरात राज्य संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले गांधीनगर के सत्याग्रह छावनी में लगभग सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बता दें कि गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गुजरात के कर्मचारी 2005 में बंद कर दी गई पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग के अलावा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और निश्चित वेतन व्यवस्था के माध्यम से नियुक्तियों को समाप्त करने की मांग भी कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के संगठन में बाद में सीएम को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया था कि वह सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए जिम्मेदार है और उनकी सरकार को सातवें वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक GSUEF के संयोजक सतीश पटेल ने कहा, हम अपनी मांगों को रखने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगेंगे। अगर हमें सरकार से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो हम अपनी अगली कार्ययोजना की घोषणा करेंगे। पटेल गुजरात प्राइमरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। करीब 1,00,000 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पटेल ने बताया कि राजस्व, स्वास्थ्य, पंचायत, मत्स्य पालन और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने दिन भर के धरने में भाग लिया। पटेल ने दावा किया, करीब 1,00,000 कर्मचारियों ने काम से छुट्टी ली और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इससे कुछ दिनों पहले सरकारी स्कूल के शिक्षकों के एक छत्र निकाय गुजरात राज्य शैक्षणिक संघ ने भी नई पेंशन योजना को रद्द करने की मांग को लेकर सत्याग्रह छावनी में धरना दिया था। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार को अन्य विभागों के कर्मचारियों भी धरने में शामिल हुए।